हमारा होटल है, पार्क है घूमने के लिए, हर तरह के जो रुद्राक्ष जहाँ से उत्पन्न के आयोजन के माध्यम से रुद्र के अस्त्र से रुद्राक्ष का मंदिर है तैयार किया जा रहा है। भगवान विष्णु का पिंडेश्वर बोलते हैं, देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसके बाद था रह गया, उसका पिंड के स्वरूप में सब देवताओं ने स्थापना किया, उनको पिंडेश्वर कहते हैं। और वही सब रुद्र के अवतार में भगवान से जब त्रिपुरासुर को वध किए थे वहाँ पर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अस्त्र गिरे वहाँ से, तो वहाँ से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष के प्रधान देवता है धरान में पिंडेश्वर। ब्रजेश ऑटोमोबाइल, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIFL फाइनेंस, होटल मिशन, रुकीज, PDPS, सनराइज हॉस्पिटल, साथ ही पर्ल रेस्टोरेंट, राज बाड़ी चाय, सबसे अधिक दिक्कत ये कि पूजा में उस रूप में कठिनता का ऐसा हॉल है, हॉल में कई जगह। और सबसे बड़ी बात जिसके माध्यम से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, के जरिए आप तक आवाज पहुंच रही है। एयरपोर्ट क्यों जरूरी है? हम लोग एयरपोर्ट के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इनके बाद जरूर बढ़िया बॉस रेत के लिए भी लड़ेंगे। बारी बारी सब ऐसे ऐसे अगर नेता लोग नहीं देंगे ना, मंच पर आए ये हमने अपनी अपनी ये सारा का सारा एसिडिक फॉर्म और बाकी का जो हमारा पीएच होता है ये मशीन थोड़ी महंगी है सर, क्योंकि इसमें टाइटेनियम और सब। नमस्कार, कोई भी बहुत कुछ दिखा था। और सबसे अच्छी बात जो अतिथि महोदय है वो बारी बारी से घूम कर सबों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए, निश्चित ऐसा होना चाहिए, ताकि कोई भी बड़ा काम करने को विषय को लेकर चलती है, किन्हीं को भी जिले में अगर इस चीज से जुड़ा हुआ कोई भी विषय आपको लगता है कि सामाजिक धार्मिक Thank you.
Hey, hey, ta ha 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 ta
जब
कोई नए नए बन के हम घरवा में दुल्हन आगे जब कोई नए नए बन के दुल्हन और हम कहना चाहेंगे कि वेस्टर्न डांस ग्रुप का जो ये शो आप लोगों ने देखा, इसके बैकग्राउंड में जो वॉइस थी, हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उस लोकगीत को गाया था। Thank you.
और निर्जल गुप्ता। जो कि अपनी प्रस्तुति बेटियां बचाओ और बेटियों को हम सभी के लिए श्रीमती विभा कुमारी जी हमारे बीच आ चुकी हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं, आदरणीय श्रीमती विभा कुमारी जी। और हम अपने नेपाल से आए हुए जो हमारे साइकिलिस्ट और आवाज 24 मीडिया आदरणीय महापौर को सम्मानित करें, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच पूर्व वार्ड आयुक्त श्रीमती सरिता राय मैडम जी भी आई हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस ऐतिहासिक घड़ी में आप सब गवाह हैं। आवाज 24 मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ये दो दिवसीय एक्सपो 2023 ट्रेड टूरिज्म एग्रीकल्चर आर्ट एंड एजुकेशन का जो ये फेयर मिला है, इसमें तरह तरह के आयोजन स्टॉल्स के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। हम दरख्वास्त करेंगे आप सभी उसका निरीक्षण भी करें, देखें। फिलहाल आवाज एंटरटेनमेंट की ओर से पूर्णिया की महापौर माननीय श्रीमती विभा देवी का स्वागत कर रही हैं पूजा मिश्रा, आवाज 24 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की एमडी। साथ हैं राजीव कुमार जी, ओम प्रकाश जी, मैडम ये स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह के तौर पर आदरणीय महापौर जी को दिया गया। इस घटना की साक्षी दो देशों के बीच जो मधुर संबंध है, वो भी फूल माला देकर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। बहुत सक्रिय रही हैं क्षेत्र के विकास से लेकर आम जन की समस्या से समाधान पाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया है। और स्वागत के साथ साथ पूजा मिश्रा माला पहनाकर स्वागत कर रही हैं। मैडम सरिता राय जी को पूर्णिया साइकिलिंग एसोसिएशन के देशों का पूर्व संबंध जो रहा है उसमें प्रगाढ़ता लाने के लिए ये एक आयोजन मील का पत्थर साबित होगा और आप सब उसके भागीदार होंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह के एक्सपो का आयोजन पूर्णिया में पहली बार हो रहा है और इस आयोजन के लिए मैं आवाज 24 और नेपाल टूरिज्म बोर्ड को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। जहां तक पूर्णिया की बात है तो ट्रेड के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं।
और आगे भी इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में मक्का हो या मखाना, हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी पूरी गुंजाइश है। कला हो या शिक्षा, हम किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। रही बात टूरिज्म की, तो इस क्षेत्र में हम जरूर पीछे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस एक्सपो में जब चर्चा होगी तो पूर्णिया के इन सभी क्षेत्रों में बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। पूर्णिया की बेहतरी और विकास के लिए मेरी जहाँ भी जरूरत होगी, आप सबों के साथ खड़ी रहूँगी। और मैं कहना चाहूँगी कि यह भारत और नेपाल दो देशों का मिलन है। और ट्रेड का जो आयोजन किया गया है, टूरिज्म का, पर्यटन का, यह हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय मिलन है और हम सभी को यह देखने को मिला है। और इस तरह का आयोजन जो स्टॉल लगाए गए हैं नेपाल के लोगों के द्वारा हमारे पूर्णिया जिले में, तो देखने और सुनने का समझने का मौका मिला है और आने जाने में भी हम सबों की सुविधा हो, इसीलिए यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पूजा मिश्रा जी को और नेपाल बोर्ड को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ले कीजिए। कैसे खिली जय सावन में।
भारत माता की जय। भारत माता की जय।
केंद्र निदेशक कवि के रूप में मौजूद हैं हमारे बीच आदरणीय गौरी शंकर पूर्वोत्तरी मौजूद हैं हमारे उच्च कला भवन साहित्य विभाग की संगठिका डॉक्टर नेहरू कुमार आय जी मौजूद हैं हमारे बीच डॉक्टर मिशन प्रकाश जी कवि के रूप में मौजूद हैं हमारे बीच श्री दिव्यानंद मिश्र जी मौजूद हैं आंसू कवि हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय रंजीत तिवारी जी हमारे बीच मौजूद हैं दिनकर दिवाला जी मैं खुद और इस आवाज 24 की इस मंच पर हम तमाम कवियों का स्वागत करते हैं और हमारे बीच अभी दो कवित्री एक बेगूसराय और एक खगड़िया से वो लगभग हरदा करीब करीब क्रॉस कर गई हैं आदरणीय सोनाक्षी स्वराज जी और स्मृति गोमकुम ये दो व्यक्ति हमारे बीच आ रही हैं तो तब तक हम लोग कार्यक्रम का इंतजार नहीं करेंगे कार्यक्रम शुरू करेंगे आप व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि यहाँ मंच पर कवि सम्मेलन के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करें जल्दी नमस्ते किया जी कोशी किया से हम लोग आए हुए हैं ठीक है तो हमारे यहाँ जो कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेके एमपीवी सेगमेंट तक जो है व्हीकल आती है आपका सोनेट स्टार्टिंग हमारा जो मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है और हमारा जो कैरेंस है हमारा एमपीवी सेगमेंट आपका स्टार्टिंग आपका सोनेट जो है हमारा 900,000 से स्टार्टिंग है वाले हमारे राजकुमार जी जहाँ है अभिनंदन पर कुर्सी में और स्टेज के पास आए अभी in Nepal. It is very cost, very cheap here because the, our duty cost is very much high. 60 above. Chogunna into 1.6 karna padega. Utna mahanga. Utna kam jayega. So brief your productions. सर हम लोग टाटा मोटर शंकर मोटर पूर्णिया से हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके एक्सपो में लगाए हुए हैं ये अभी नई आई हुई है नेक्सॉन टू मच चीफ है एक्सपोर्ट होता है ना तो एक्सपोर्ट का टैक्स एक्चुअली ड्यूटी टैक्स इट्स वेरी मच हायर देन 5 स्टार सिटी रेटिंग हमारा बिहार टूरिज्म और बंगाल टूरिज्म से होटल पर बिहार टूरिज्म पूर्णिया रेनू भी आ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और इट बस स्टैंड आपका गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है नेपाल बॉर्डर में ये पटना मनेर में है ये टूरिज्म का प्रॉपर्टी ये बंगाल का होटल बोला नेपाल देर इज नो दिस टाइप ऑफ होटल्स आल्सो दिस नेपाल में ऐसा नहीं है हमें कोई कमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी नहीं है होटल की जैसे मैं नेपाल के टूरिज्म बोर्ड से बिलोंग्स कर रहा हूँ इट्स ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट वी आर प्रोवाइडिंग द प्रमोशनल सपोर्ट्स ओनली नॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉट फॉर द प्रॉपर्टी डेवलपमेंट So it is the more benefit of the Indian government. They are also consulting and they are also working. Yeah, many of them. I know that. But that's why. Center है ना? Multi-brand service center है, 2-wheeler, 4-wheeler दोनों के लिए. इस service में कौन सा पता होता है? RSA का. Road service में देते हैं 996. इसमें क्या? जैसे कोई accident हो जाता है या कोई गाड़ी खराब हो जाती है, time पे मिल नहीं पाता उस टाइम का सारा बीस किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है वो चीज़ हम लोग 996 में देते हैं 1 ईयर उसके अलावा सर्विस सेंटर में भी कार्य करते हैं इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सारा चीज़ हम लोग उसे करते हैं आप किसकी फ्री बार बता रहे हैं कुछ बताने का वो मिल रहा है वही तो थैंक यू अभी तो धन्यवाद देना है आपको और सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा कहाँ ज्ञानेश्वर सिंह राजपूत कहाँ हैं आप आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देव मैं स्वागत करती हूँ आज के दिन आदरणीय गिरीश कुमार सिंह जी आदरणीय डॉक्टर श्रीपति गुरुमा रायगढ़ निरीक्षण कर रहे हैं
अब बीमारी को मेरा अनुभव है और पर मंथ नहीं, एक ग्राम सोना पे उनचास रुपया इंटरेस्ट है ना, मतलब और जगह से पांच पैसे के साथ पर पूछे कि पर मंथ है उतना ही मिलता है। ओ गाइस राजू जी आपको नजर के लिए आदरणीय विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हैं, और सुनील जी बहुत अच्छा है, शो भी है जो होंडा अभी निकाला है ना होंडा का, हाँ वो मन गया कि ये कितना निकालने के चाहिए, लेकिन फिर बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा है भैया, वो बेटी है आपका दादा, बेटी है मेरी, बेटी बहुत मजा अब ग्रीन पूर्णिया बोल रहे तो सुना नहीं पीछे हो जाओ, मैं तवज्जो चाहूंगा सरकार जी पंकज जी जो भी लोग हमारे कविता की से बेसुमार मत पूर्णिया में भी हम लोग विराट नगर में शुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है, लोगों को धन्यवाद करता हूं, कितना लगता है इसका दाम, साधुवाद के साथ 15000 40% इस बात के लिए अपने वेदना व्यक्त करता हूं, पुण्या में बनता है, न तो हम तुम ले रहे हैं जाने के टाइम में सब एक एक इंडिया का सबसे बड़े कवि मकई भी है ना इधर का, मकई भी है, मक्का और मखाना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ठीक है, जाएंगे और हमारी भावनाओं और हमारे उद्गारों को भी आप दीजिए धन्यवाद, आप मन संधारण के लिए चौधरी को अध्यक्ष महोदय तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे हम सब वही पर खाए थे हमें बहुत अच्छे तो सबसे पहले मैं कवि सम्मेलन में सबसे कम उम्र के हमारे जो साथी बलिया से आए हैं, हालांकि अभी कई दिनों पहले उनके माता का निधन हुआ है, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी देशभक्ति मैं जहाँ से चाय का बगान सबसे फेमस है ना इलाम नाम की एक जगह है नेपाल दार्जिलिंग के बगल में वहीं से बिलोंग्स करता हूँ, तो ग्रीन टी ही मिलता है था टोटल लैंड लैंड में नियर अबाउट 70% टी गाड़ी भी है, बहुत अच्छा कि कितना दाम लेता है इसको केवल अपना परिचय दो शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जितना अरा ये भाव है उतना अरा कुछ भी नहीं, ये देश हमारी माँ है बस इतना ध्यान रखना, मेरे सरकारियों की आशा थी और चाहे बॉटल बंद वाटर हो या स्प्राइट हो मैं क्या पर चापाकल का भी पानी सारा क्या पर इसकी बात कहूँ या चौहान की कहानी पर मैं क्या पर
मैं क्या परिस्थितियों में किसी बात को कहूँ या किसी चौहास में क्या कहानी पढ़ूं, मैं पढ़ूं देश के बदहाल जवानी पर या पढ़ूं आजाद भगत की कुर्बानी पर। एहसान मानो इस देश का ये धरा तुमको मिली, मौसम मिली, नदियां मिली, माँ उर्वरक तुमको मिली। अरे कष्ट तो बस इतना है जिनके घर से वे बेघर मिले, इस देश को दुश्मन मिले। नजदीक में विराटनगर होता है, ये दो स्वर नहीं किया गया इस देश को। यह बताइए ना हमें, एक स्वर है ढोल का तो एक स्वर है बलिदान का, एक स्वर है बंधनों का तो एक स्वर है अपनत्व का, एक स्वर में झूठी क्या तो देश के दो चित्त है, एक चुनकर तुमको गुना, मैंने चुना है देश तुमको सुख, तुमने क्या चुना। अभी ये युवा प्रेम में प्रवेश कर रहे हैं और मेरा यह मानना है कि उसी युवा को मैं मातृभूमि के प्रेम में प्रवेश कराना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि मैं जल्द ही यह अभियान सफल करूँगा। और प्रेम की बात रही तो दोस्त भंग में प्रेम पर पढ़ना चाहूँगा जो भारतीय संस्कार और संस्कृति में प्रेम क्या है। हमारा होटल है और ये प्रेम का अद्भुत बंधन राम जानकी के लिए प्रेम का मंचासीन महोदय ध्यान चाहूंगा उसका सब लिखा हुआ है। प्रेम का अद्भुत बंधन राम जानकी के लिए सागर में सेतु निर्माण करेंगे। प्रेम मांगता है बलिदान तो पद्मिनी, प्रेम का प्रमाण देने हेतु मीरा कलयुग में विष पान कर लेती है और प्रेम की प्रकाशता प्रीतम की निशानी हेतु खाजा वाली रानी जिसकी दान कर देती है। मुझे पता चला कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बहुत से वीर वीर सपूत तो नहीं कह सकता कि वीर मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो सब सब वीर है जो इस समय यहाँ मौजूद है और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए युद्ध एवं आंदोलन कर रहे हैं। तो दो पंक्ति मैं इन वॉलेंटियरों के लिए पढ़ना चाहूंगा। अभी है बस तुम्हें गगन धरती के, तुम ही गगन धरती के राजा, बस तुम ही हो यही समय की मांग और सुझाव है, यही समय की मांग और सुझाव है, यही समय की मांग और सुझाव है। अरे यही दिन प्यार के झनकार के है, मगर झनकार के भी दिन यही है, यही दिन प्यार के अनुराग के है, मगर यही दिन तलवार के है। और यहाँ पे कुछ समय पूर्ण कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी भारतीय संस्कार और संस्कृति के विषय में अवलोकन कर रहे थे, तो दो पंक्ति मैं उन नन्हे मुन्ने बालक को समर्पित करना चाहूंगा। और मुझे पता है कि समय की अपनी सीमा होती है। मैं चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास फिर रचे इतिहास भी, अरे कोई तो हो जिसके दिलों में देशभक्ति छाई हो, अरे कोई तो हो जो बोले मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं हिंदुस्तान हूं। और अंतिम पंक्ति और स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मैं जानता हूं जीवन क्षण भंगुर है, मरना है मर जाऊंगा, मैं जानता हूं जीवन क्षण भंगुर है, मरना है मर जाऊंगा, मरने के बाद देवों के देव को मनाऊंगा, मान गए महाकाल यदि मांगूंगा दो वरदान, यही रख लो सारे पुण्य कर्म मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सिपाही के रूप में माता है बहने, केवल आखिरी दो पंक्ति माताओं और बहनों को मैं समर्पित करना चाहूंगा। मुझको तो सारी धरती की जननी दिखाई पड़ती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखाई पड़ती है, अरे तुमको, अरे तुमको, अरे तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जय हिंद। जो साथ हरे कृष्ण प्रकाश से है, आओ बच्चे नए जो है मंजिल नहीं, अभी और आगे बढ़ना है तुम्हें।